लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो, एक्चुअली यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, ये शादी के लिए पागल हो रही है, चिल्ला रही है, चीख चीख कर तुम्हें वापस बुला रही है। मॉम, मीशा, मैं इस घर की होस्टेस हूँ और शादी के बारे में नौकरों से सीखूं, क्या तुम मुझे जरा समझाओगे? नहीं, वो चल कह रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा? तुम सभी नास्तिया को बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ। वो मेरे क्लिनिक की एक अच्छी डॉक्टर है, बेस्ट न्यूरो सर्जन है, वो मेहनती है, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। पर हाल ही में उसने क्लिनिक में कुछ हालत देखा और वो अब पुलिस को इसके बारे में बताना चाहती है बस। क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। पर अगर उसने पुलिस को बता दिया तो मेरे हाथ से सिर्फ टेंडर ही नहीं बल्कि पूरा बिजनेस चला जाएगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा? नहीं नहीं मॉम, प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बिजनेस में आती रहती हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो तुम लोग ये सब भूल जाओ। तुम्हारे पास प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, है ना? मैक्सिम ने बेवकूफी की है और हम सभी को मुश्किल में डाल दिया है। आप गलत बोल रही हैं। सिर्फ मीशा की वजह से मैक्सिम ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसने ऐसा पहली बार नहीं किया। मिखेल रमानोविच, चलने का वक्त हो गया। हाँ, चले। हाँ, ये सही कह रही है, हमें अभी चलना चाहिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उसके साथ अच्छे से रहिए। ठीक है, ठीक है। ओके, चलता हूँ। हमेशा मेरे बच्चों की गलतियां मत निकालिए, गलती आपके बेटे की है। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने वादा किया था ना, और अभी ये सब तुम क्या कर रही हो? मैं नहीं जानती थी शादी आज रात है, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। चुपचाप बैठो। देखो, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम एक रोमांटिक शादी चाहती हो क्या, जहाँ पर तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, रिंग्स पहनो, रीति रिवाज हो? मेरा जवाब ना है। या तुम अपने ज़ेनिया के बारे में सोच रही हो? नास्तिया, क्या तुम उसके लिए मरना चाहती हो? हम मानते हैं अभी ये सब बंद कर दो, ना तुम्हें ये शादी पसंद है और ना मुझे ये शादी करनी है। हम दोनों बस फॉर्मेलिटी के लिए शादी कर रहे हैं। मानता हूं मुझे तुम में थोड़ी सी इंटरेस्ट है, पर तुम्हें मुझ में नहीं है। तो मुझे अब और ज्यादा परेशान मत करो प्लीज। मुझे जाना है, पर अगर ये चीखना चाहे तो इसे चीखने दो। कुछ देर बाद अपने आप ही थक जाएगी। वैसे भी शादी से पहले सब लोग नर्वस होते हैं। याद रखना, ये रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो जो मैं कह रहा हूं तुम्हें याद तो रहेगा ना? कैमरास का क्या हुआ? सब ठीक है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। उसका SMS आया? मैं अपने पुराने दोस्त के साथ एक साइट पर हूँ और सब कुछ ठीक है। मैंने कहा था ना, वो सी साइट पर ही मिलेगी। तुम अपना काम करो, समझ गए? नास्तिया, कौन सी साइट पर हो तुम, मुझे बताओ जल्दी से। तुम किस दोस्त के साथ हो मुझे जानना है। नास्तिया, तुम्हारा सिक्योरिटी मैनेजर अभी तक क्यों नहीं आया? बुलाओ उसे यहाँ पर। देखिए, आप थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। जल्दी बुलाओ उसे।
काम जल्दी हो जाना चाहिए। क्या हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी अगर तुमने मुझे सीसीटीवी फुटेज जल्दी से चेक नहीं करने दिए तो, समझ गए? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूं। ओके ठीक है, आइए चलिए मेरे साथ। तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस आदमी पर ड्रग डीलिंग का शक कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? लेकिन तुम्हें समझ रहा है ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। पर ये आदमी बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा था। मैं आपको पहचान गया। आप अपने दोस्त का लैपटॉप ढूंढने यहाँ आए थे पर वो आपको यहाँ मिला नहीं। आज सुबह मैं उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था और उसने मुझे बताया कि वो यहीं पर लैपटॉप छोड़कर गया था। उसे लगा कि यहाँ पर छोड़ना सेफ होगा, इसलिए उसने इस पिलो के नीचे उसे रख दिया था। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बात ऐसी है कि उसने काफी पी ली थी और उसका एक्सीडेंट भी हो गया। बहुत बुरा हुआ। तुम समझ सकते हो लैपटॉप से कितनी जरूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। समझ रहा हूं। ठीक है, तुम जो कहोगे वो कीमत देने को मैं तैयार हूं। मुझे वो चाहिए, मेरी मदद करो। ओह चलो भी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये एक जाना माना क्लब है, यहां तो चोरी होना मुमकिन ही नहीं है। भरोसा कीजिए, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। मैं वेट्रेस को पूछकर देखता हूं। सुनो, आज और कल डांस फ्लोर किसने साफ किया था? आलिया आंटी ने। वो अभी यहाँ है? हाँ, सफाई कर रही है। जाओ फिर, जाकर ढूंढो उसे। ओके सर। पर जल्दी, बस थोड़ी देर। बहुत बढ़िया, मिल गया रास्ता। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बढ़िया, पर मैं टीचर से तंग आ गई हूँ। वो सिर्फ सर दर्द है। थोड़ी देर रुक जाओ, साथ में लंच करेंगे। मुझे भूख लगी है। कुछ पीना चाहो तो पी सकती हो। सीधे बॉटल से मत पीना, ग्लास में निकाल कर पियो। वैसे तुमने सुना कि आज रात मैक्सिम शादी कर रहा है? क्या मतलब है आपका, ये कैसे पॉसिबल है? वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आज घर आ गया। वो उसके रूम में ही है और आज शादी कर रहे हैं। चलो जल्दी ख़त्म करो इसे, फिर हम उससे मिलने जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ तो बताती हूँ, आज मैंने ये किया वो किया, पर इसने एक बार अपनी फियांसे से मिलवाने की ज़रूरत भी नहीं समझी। हाँ, पर इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। सही कहा ना? मुझे पता है कि क्या रीज़न हो सकता है इन सब के पीछे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी रीज़न हो, मैं बस चाहती हूँ कि उसकी शादी अच्छे इंसान से हो। वैसे शादी के बाद हर मर्द थोड़ा सुधर जाता है। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पर मैक्स कभी नहीं सुधरेगा। अब चलो उससे मिलते हैं। क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है? मैं भला क्यों करूंगी? तुम्हारा दोस्त वो नशे में था, उसने ही गलती की होगी। शायद उसके पास लैपटॉप ना हो और शायद वो कोई और क्लब का। ओके चलो ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ। चलो चलो जल्दी। ओके ठीक है। आप देखना, हम सब ठीक कर देंगे। आप तो हमें समझ ही सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड का लैपटॉप कोई विजिटर ले गया हो तो फिर उसमें
हम तो कुछ कर नहीं सकते, शायद उसे खुद ही कुछ याद नहीं होगा। हाँ मैं मानता हूँ ये शायद गलती से हुआ होगा। Anyway, thanks a lot. Welcome. बाद में मिलते हैं। दरवाजा खोलो, हमें नास्तिया से मिलना है। मैक्सिम ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। हमें भी अंदर जाने से मना किया है उसने? नहीं, ऐसा नहीं कहा। तो फिर मेरी फ्यूचर बहू से मुझे मिलने का पूरा हक है। मैं बहुत बिजी हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो। ओके, हम उससे बाद में मिलते हैं। थैंक यू। तुम जा सकती हो, हम ये देख लेंगे। बकवास बंद करो और दरवाजा खोलो। नास्तिया, तुम्हें शायद टॉवल की जरूरत होगी, है ना? तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यह है घालिया, मेरी बेटी और मैक्सिम की बहन है। मैं ही उसकी माँ हूँ और तुम्हारी होने वाली सास भी हूँ, एलिना रमनेवना। बस इतनी उम्मीद रखती हूँ कि धीरे धीरे हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है? मैं इस कमरे में आखिर बंद क्यों हूँ? मुझे यहाँ कहाँ से और क्यों लाया गया? आपके बेटे ने अचानक शादी का फैसला क्यों किया, आपको यह अजीब नहीं लगता? बोलिए, मुझे बताइए। सच कहूँ तो मैं उसकी लाइफ में इतना इंटरफियर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने उससे इतने सवाल नहीं किए हैं। पर मैं जानती हूँ वो बड़ा हो गया है और उसे पता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। वो अपने फैसले खुद लेता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों अच्छे हस्बैंड वाइफ बनोगे। तुम सब के सब सनकी हो। ऐसा नहीं है, बट आई एम रियली सॉरी। तुम अपने दोस्तों को अपना दुश्मन मान रही हो। चलो दरवाजा खोलो निकिता। तुम्हारी शादी है तो जायज है कि तुम थोड़ी सी नर्वस हो रही होगी, आराम करो। चलो मेरी मदद करो प्लीज। देखो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। तुम भी कभी ना कभी माँ बनोगी। तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा इस घर में क्रिमिनल्स के साथ रहे? कैसी माँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे पता है। तुम गलत बोल रही हो, छोड़ो मुझे। ये रही कल की सारी कैमरा फुटेजेस, इनमें से तुम कौन सी देखना चाहते हो? मुझे एंट्रेंस में एम्बुलेंस क्रू की वीडियो को दिखाओ। क्या तुम्हें टाइम याद है? 2 से 4 बजे तक। ठीक है, 2 बजे से। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? एक मिनट, ये कैसे हो रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। कल की सारी फाइल्स अपने आप डिलीट कैसे हो सकती हैं? क्या मुसीबत है? थोड़ा जल्दी करना प्लीज, बस आधे घंटे का ब्रेक है, बंद कर दो इसे। वेरी गुड। चलो पापा खेलते हैं। फिर कभी ये बैग्स रखने हैं अभी। फिर मैं खेलने जाता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार है इसे। ये हमेशा फुटबॉल के बारे में सोचता है और कुछ नहीं। तुम्हारे साथ खेलना चाहता है लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है चलो चलते हैं। हाँ ओके, ये लो। घालिया, तुम्हें वो कैसी लगी? वो बहुत अजीब है। हाँ, लेकिन खूबसूरत है और काफी बोल्ड भी है, है ना? हम उसे धीरे धीरे सब सिखा देंगे, क्यों? जरा इसे देखो, उसे पसंद आएगा। मुझे लगता है उसकी ड्रेस के साथ ये मैच करेगा। मॉम, क्या आप सच में चाहती है कि मैक्स उससे शादी करे? वो पागल है, मुझे ऐसा लगता है।
हमें ये शादी रोक देनी चाहिए। आपने सुना था उसने क्या कहा? मुझे वो ठीक नहीं लग रही है मॉम। वो बस थोड़ी नर्वस है, सब ठीक ही है, शायद दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ हो। झगड़े से आपका क्या मतलब है? वो इससे नफरत करती है जबकि हम सभी उससे नफरत करते हैं। तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो खालिया? जैसा फिल्मों में होता है, जहाँ झगड़े होते हैं वहीं तो प्यार होता है, क्या कभी तुमने देखा नहीं? खैर जाने दो, ये सब समझने के लिए तुम अभी छोटी हो। सब ठीक हो जाएगा, हम उसे अपना दोस्त बनाकर अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। हम बस शांति और समझदारी से काम लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। हाँ लाओ बॉल मुझे दो और तुम जाओ वॉक करो। क्या नाम है तुम्हारा? दानिया। तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? ये तो खतरनाक है। यहाँ कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है क्या? हाँ पास में एक है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? दानिया मैंने तुमसे कहा था ना अजनबियों से बात नहीं करते, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बात कर रहे थे। जब तुम उसे जानते नहीं तो बात क्यों कर रहे थे? मैं बात नहीं कर रहा था। अब जाओ यहाँ से, ये लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ओ सच में? तुम्हारी प्रमोशन के लिए बधाई हो। वैसे काफी अजीब बात है ना, तुम्हारी पहली और नई जॉब मेरे और मेरे अंकल के साथ ही थी। तुम मुझे यहाँ डराने आए हो माइकलो के कहने पे? तुम्हें लगता है मुझे उसके घर में रह के उसका खाना खाना चाहिए है ना? भूलो मत मैं एक डिटेक्टिव हूँ और तुम एक क्रिमिनल हो, और तुम जैसे लोगों को पकड़ना मेरा काम है। तुम सही हो, पता है तुम हर जगह सही हो। अगर तुमने मुझे जेल में डाल दिया तो ये मेरी किस्मत होगी, पर ये इतना आसान नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। जल्दी ही तुम्हारा खेल खत्म होगा। दुआ करो कि नास्तिया के गायब होने के पीछे तुम्हारे अंकल मीशा का हाथ ना हो। मैं नहाने जा रही हूँ। क्या क्या कहा? ये लॉक काम नहीं करता है, तुम किसी को अंदर मत आने देना। ओके बेशक। क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊं तो चलेगा? मेरे भाई की शादी बार बार नहीं होगी। हाँ ठीक है, पर सिर्फ आज बंक कर सकती हो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, अगर फेल हो गई तो शायद तुम्हारी भी शादी करा दी जाएगी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, जरूरी है। कौन है वहाँ? कुछ नहीं, पड़ोसी की बिल्ली है शायद। दरीना तुम जाकर देखो कहीं वो बिल्ली हमारी दुल्हन तो नहीं जो भागना चाहती है। मॉम आपको सच में लगता है कि वो विंडो से कूदकर भाग जाएगी फिल्मों की तरह? वो बिल्ली ही है मॉम। कौन है वहाँ? मैंने देखा मैडम, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। ठीक है, चाय पियोगी? अपने रूम में। ठीक है जाओ, जाकर थोड़ी सी पढ़ाई करो बैठकर। उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो उदास है। कोई बात नहीं, अब उसे हमेशा के लिए याद रहेगा कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। तुम उससे कह रहे हो अजनबी से बात मत करो, लेकिन वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हें कैसे पता कि वो खतरनाक है? क्या वो तुम्हारा भाई है? एक ही बात मैं कितनी बार कहूं कि मेरा कोई भाई नहीं है।
कोई बहन नहीं है, कोई माँ नहीं है। बाप थे, उन्हें भी मार दिया गया। तुम और दानिया मेरे परिवार हो, इसके अलावा कोई नहीं है। तुम हमेशा मुझ पे चिल्लाते क्यों हो? मैक्स, अंकल मीशा के साथ कहीं मत जाना। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ। क्यों? लेकिन हम हमेशा साथ रहते हैं ना। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये बस कुछ टाइम के लिए है और हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे मैं यहाँ हूँ या नहीं। मेरा भरोसा करो। मुझे माफ करना, मैं जब इन लोगों को ऐसे फ्री देखता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो, ना तो तुम्हारे अंकल तुम्हारे प्यार के काबिल हैं और ना ही तुम्हारा भाई। पर क्यों तानिया? कानून तोड़ने वालों को जेल में डालना ही तो मेरा काम है। कानून? चलो खाना खा लो। अगर आपको टॉक्सिक लव का ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।